हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, एंगल फॉर्म्ड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। लेट्स सपोज ये लाइन एल है और ये लाइन एम, दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल, एक ऐसी लाइन एन जो दोनों पैरेलल लाइंस को काट रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, जो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि इन एंगल्स को नाम क्या है, इनका क्या नोटेशन है, और इनका आपस में रिलेशन क्या है, ये आज अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। हाँ जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल वन, ये रहा एंगल वन और ये एंगल फाइव। ध्यान से देखिए, वन और फाइव कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और दोनों इक्वल भी होते हैं। और क्या होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे वन और फाइव है तो इधर टू और सिक्स भी, तो ये टू और सिक्स दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। और कौन से होंगे, सेम सिचुएशन देखिए फोर और एट के साथ भी है, ये एंगल फोर इक्वल होगा एंगल एट के, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होंगे। और इधर थ्री और सेवन, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है कि दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ये होते हैं वन और फाइव, टू और सिक्स, फोर और एट, थ्री और सेवन। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं। देखिए इंटीरियर मतलब अंदर वाले, मेरे को अंदर यहाँ पे नज़र कौन से आ रहे हैं, थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो ये तो इंटीरियर का मतलब हो गया, ये चारों एंगल जो अंदर वाले हैं। अल्टरनेट का मतलब एक इधर वाला तो एक इधर वाला, यानी एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। तो देखिए लेफ्ट और राइट वाला और अल्टरनेट भी हो इंटीरियर भी हो तो क्या रिलेशन है, फोर और सिक्स, ये एंगल फोर किसके इक्वल होगा, एंगल सिक्स के। दूसरा कौन सा बनता है, थ्री और फाइव, ये एंगल थ्री इक्वल होगा एंगल फाइव के। तो ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जब ये सारे रिलेशन पता होंगे तो हमें कोई एक एंगल पेपर में दिया हो तो बाकी के सारे एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बाद नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब नाम से क्लियर है, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। अब जैसे फोर और सिक्स इंटीरियर एंगल्स इक्वल थे, एक्सटीरियर कौन से होंगे, ये इधर वन और इधर सेवन, यानी कि एंगल वन सेवन के इक्वल होगा, और इधर एंगल टू किसके इक्वल होगा, एंगल एट के इक्वल होगा। तो ये याद रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अलावा होंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये लाइन दोबारा बोल रहा हूँ, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ट्रांसवर्सल के, ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक तरफ वाले इंटीरियर एंगल जो दोनों होंगे उनका सम 180 होगा, यानी कि 4 और 5 का सम 180 होगा। इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है, यानी कि 4 एंगल और 5 एंगल
इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इधर 3 और 6 का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, राइट। तो 4 और 5 का सम 180, 3 और 6 का सम 180। तो ये कुछ टाइप्स जो इम्पोर्टेंट टाइप्स थे इसकी, ये हमने करी हैं। और अब एक बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट जो कि सभी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन इसमें भी इम्प्लीमेंट होगा, लीनियर पेयर एंगल्स। क्योंकि हमें पता है लीनियर पेयर एंगल्स का सम भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर वो एंगल्स होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनते हैं। जैसे ये एल एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, 1 और 2। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। ये देखिए 1 + 2 इज 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर एंगल्स बन रहे हैं। और लीनियर पेयर्स भी बन रहे हैं यहाँ पे। और लीनियर पेयर कौन से हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पर। नीचे 3 और 4 देखिए, ये लाइन के इस तरफ हैं लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो 3 और 4 का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही अगर हमने लिखना हो, इधर देखिए 1 और 4, तो 1 और 4 का सम भी क्या होगा, 180 होगा। सिमिलरली एक और रह गया, कौन सा यहाँ पर, 2 और 3, तो 2 + 3 इज 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 4 एंगल थे, इन दोनों का सम भी 180, नीचे वाले का भी, इधर का भी, इधर का भी। सिमिलरली मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, ये भी पैटर्न बनेगा, 5 + 6 180, 6 + 7, 7 + 8, 5 + 8। चलिए एक लास्ट यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी पढ़ते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं और वो इक्वल भी होते हैं, ये देखिए। जब दो लाइंस क्रॉस करती हैं तो ये ऑपोजिट एंगल्स, 1 और 3, 1 और 3 आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। 2 और 4, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हेयर 5 और 7, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड 6 और 8, दीज आर ऑल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो चलिए अब एग्जाम्पल के साथ इनको एंगल्स को यूज़ करना सीखते हैं किस तरीके से। मान लीजिए एक एंगल 1 हमें 60 डिग्री गिवन है और हमें बाकी के सभी एंगल्स निकालने हों, तो देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले एंगल 1 + एंगल 2, ये दोनों क्या होगा, 180 डिग्री। अभी अभी पढ़ा था हमने, क्या रीज़न है, लीनियर पेयर एंगल्स। अब एंगल 1 कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ से एंगल 2 कितना आएगा, 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 120 डिग्री, राइट। तो एंगल 1 पता है, तो लीनियर पेयर एंगल्स यूज़ करके एंगल 2 निकाला जा सकता है। अब देखिए 1 और 2 दोनों पता है हमें, एंगल 1 किसके इक्वल होता है, एंगल 3 के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अभी अभी पढ़ा हमने ये रहा, यानी कि अगर 160 है तो एंगल 3 भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब 2 और 4 दोनों इक्वल होते हैं, रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यानी कि अगर 2 120 है तो एंगल 4 भी कितना होगा, 120 होगा। देखिए कितना आसान है इनको निकालना, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस की बात है। अगर एंगल 4 120 है तो 4 और 6 इक्वल है, कौन से एंगल थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 4 6 के इक्वल है, 4 की वैल्यू 120 है, तो एंगल 6 की भी क्या होगी, 120 होगी। इसी तरीके से 3 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऐसे भी निकाला जा सकता है 5। एक और तरीका भी है, 1 और 5 देखो इक्वल है, एंगल 1 और 5 इक्वल क्यों है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये भी पढ़ा है ना आज, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कोई भी एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करो, अगर 160 है तो एंगल 5 कितना होगा, 60 होगा। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 सारे निकल चुके हैं, बच कौन सा गया, 7 8। कई तरीके हैं निकालने के, जो 6 है वही 8 होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जो 5 है वही 7 होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
या फिर ऊपर जो 3 है वही 7 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो 4 है वही 8 होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं हम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए 5 इक्वल टू 7 लिखा हुआ है हमने, 5 की वैल्यू 60 डिग्री आई है, तो देयरफॉर एंगल 7 भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। और 6 और 8 इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 6 की वैल्यू 120 है तो एंगल 8 भी कितना होगा 120 डिग्री। तो ये मेथड आना चाहिए, ज्योमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है। दो पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो सभी एंगल्स फाइंड करने आने चाहिए, बड़ी आसानी से इनको किया जा सकता है। आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू।